सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एक अनोखा मामला सामने आया है। चुनाव चिन्ह जूता को देखकर सभी लोग ठहाके मारते नजर आ रहे हैं। चुनाव चिन्ह में जूता मिलने के बाद प्रत्याशी के मनोबल कम नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं प्रत्याशी के तरफ से प्रचार करने के लिए गले में जूते की माला डालकर लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केशव के तरफ से भाजपा नेताओं पर जराने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। अलीगढ़ में जिला पंचायत सदस्य के पति की मौत के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गया है। विधानसभा के जिला पंचायत सदस्य सुलेखा चौधरी के पति हरिचरण आरएलडी के नेता थे, उनका आज हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। वहीं विधायक के चुनावों की बात की जाए तो डॉक्टर हरिचरण इगलास विधानसभा से विधायक के दावेदार में शुमार किए जाते थे। दरअसल वो टिकट न मिलने से काफी परेशान भी चल रहे थे। चरण जी दुनिया में नहीं रही से लेकर क्या कहोगे आप? हमें इस बात का बेहद दुख है और बहुत बढ़िया आदमी थे, पार्टी के स्तंभ थे, आज एक पार्टी का खंभा। किस तरह की पार्टी को ऊपर है, इसके लिए क्या कारण रहा है जानकर? अब ये तो ऊपर वाले की मौज है, मरना तो सबको है, लेकिन वो बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। तो 17वीं चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उसे लेकर कोई वो अब ना ऐसी कोई बात नहीं। टिकट तो उन्होंने मांगा था, लेकिन वो किसी कारणवश उन्हें टिकट। खबर बिजनौर से है, जहां पर चुनाव में नेताओं से कुछ भी मांग लो सब मिल जाता है, कीमत चाहे जो भी हो बस वोट मिलना चाहिए। बिजनौर में भाजपा की सदर विधायक सूची मौसमी चौधरी के पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गांव वालों से वोट के बदले बारात घर के निर्माण का वादा करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो बिजनौर विधानसभा के गाँव जलहरा नसीरी का बताया जा रहा है। खबर सलेमपुर से है, जहां दुलारी देवी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और साथ ही प्रत्याशी ने सलेमपुर की हर एक छोटी से बड़ी समस्या को पूरा करने के साथ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? हमारी मुद्दे जो छोटी छोटी समस्याएं हम लोग के यहाँ है, जो सलेमपुर में जो विकास नहीं हुआ है, बाकी विकास है, उस विकास को पूरा करेंगे हम लोग। सलेमपुर में डिपो बस डिपो नहीं है, लार में बस डिपो नहीं है, रोड की समस्याएं हैं, बैंक की समस्याएं हैं, टैक्सी स्टैंड की समस्याएं हैं, टेम्पू स्टैंड की समस्याएं हैं, पल्स ग्रीन का सहारा का पैसा लेके भगे हैं लोग, उनको निकलवाना हमारा है। अगर सरकार हमारी बनती है तो सलेमपुर जिला बनाएंगे हम लोग। महिलाओं की आप क्या करें? महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा। संबल के सपा प्रत्याशी इकबाल महमूद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले दंगे कराते हैं, वहीं दो लड़के वाले योगी आदित्यनाथ के बयान पर संबल के सपा प्रत्याशी और विधानसभा के उपनेता इकबाल महमूद ने बीजेपी पर दंगे कराने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को उन्होंने युवा बताते हुए उनकी तारीफ की। वहीं उन्होंने दंगों के बहाने हिंदुओं को डराने व सीएम पर आरोप लगाया है। चुनाव की कड़करी और विवाद को बोलने वाले इस बयान में क्या इकबाल महमूद ने देखे इस रिपोर्ट। डर और खौफ, समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, वो डरा रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को हमारे, कि जोड़े आ रही, जोड़े इंशाल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर विकास ही विकास कराएगी। ये युवाओं की जोड़ी है, ये युवाओं का युग है, युवाओं के लिए सब कुछ करना है, उनकी उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनके कॉलेजेस, उनकी नौकरी। वो तो ये कहकर तो वो दंगा कराने के लिए, असल में बीजेपी वाले ही दंगा कराते हैं, कोई और नहीं कराता, ये दंगा ही कराते हैं, इल्ज़ाम हम पे रखते हैं, ये सब चीज़ें जनता समझ। मामला रायबरेली के पहनास गांव का है, जहां मामूली सी बात पर दंपति पर हमला किया गया और चलाए लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। आपको बता दें कि हमले में दंपति बुरी तरह से घायल हुआ। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से दोनों को गंभीर हालात में जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
इंद्रपाल और रजिंदा और मेरे और उनके इंद्रपाल के इंद्रपाल और रजिंदा उनकी वाइफ। हाँ ठीक क्या हुआ मारे लाल। अच्छा मारे गिरा दिन थे प्रधान का दिन भाग गए प्रधानों का दिन हुआ तब कुल्हाड़ी हुमक नहीं से। अच्छा कुल्हाड़ी पता कुल्हाड़ी आगे लाठिया दो ठाई माइस भाड़ा भर। अच्छा गिर गए फिर प्रधान भाई रहा वो दौड़ा जैसे उसने भाग नहीं से और भाग नहीं फिर हम गिर गए ठाई फिर हमें घर क्या उठाया देख लौंडा हुआ वो हमें घर बताओ फिर हमारे दमाद। बिजनौर सदर विधानसभा 22 से सीट से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर नीरज चौधरी के खिलाफ बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर नीरज पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रालोद प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिजनौर सदर से गठबंधन प्रत्याशी की मौजूदगी में उपस्थिति में आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कोतवाली नगर बिजनौर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। पीलीभीत में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी डॉक्टर सैलेन सिंह गंगवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सैलेन सिंह गंगवार बसपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे थे और मोदी लहर होने के कारण उनकी हार हुई थी। वहीं इस बार उन्हें सपा से टिकट मिला है और सदर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनका सामना भाजपा के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार और बसपा के शाने अली से होगा। पीलीभीत सदर के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं डॉक्टर था, सर्जरी मेरा काम था, लेकिन पीलीभीत की जो राजनीति में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और जो सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न की जो बीमारी जो पैदा हो रही है हुई है, मैं उसकी सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने। अब ये पीलीभीत की जनता को ये फैसला लेना है कि 23 फरवरी को मुझे विजयी बना के इस बीमारी को वो जड़ से समाप्त करना चाहती है या इस बीमारी को और बढ़ाना चाहती है। वहीं असमोली विधानसभा की प्रत्याशी पिंकी यादव ने खनुपुरा के में नुक्कड़ सभा की और एक दर्जन गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क करके जनता से वोटों की अपील की और साथ ही बीजेपी सरकार पर लूटपाट भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रत्याशी ने जनसंपर्क के दौरान गांव में अधूरे काम को पूरे करने की बात कही। खबर बांदा से है जहां आपसे विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल युवक के दोस्त उसे जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर ले गए जहां से घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि सारा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत अशोक लाट का है। जी 150 रुपए के पीछे विवाद हुआ था। अच्छा किसने मारा तुम्हें चाकू? अल्लाह जाने। अच्छा ये कौन है? ये भैया टॉप टेन अपराधी है। अच्छा किस चीज से वार किया तुम्हारे ऊपर? चाकू से। कितने चाकू मारे हैं? है? कितने चाकू मारे हैं? एक चाकू मारा हाथ हाथ लात घुस मारे। अच्छा विवाद किस बात को ले हुआ था? 150 के पीछे। 150 के पीछे उसके पेट में जो है ऊपरी हिस्से में चाकू स्टेबल पाया गया जो कि थोड़ा गहरा इंटेस्टाइन था। प्राथमिक उपचार तत्काल दिया गया है। इसके बाद इनको कानपुर की कोतवाली नगर क्षेत्र के अशोक लाट स्थित वासु मिष्ठान भंडार के पास रिंकू चौरसिया उम्र 30 वर्ष नामक युवक को आपसी विवाद में एक युवक द्वारा चाकू से मार करके घायल कर दिया गया है। युवक का चिकित्सकीय परीक्षण सदर अस्पताल में कराया गया है। जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में लोग प्रचार करने में जोरों शोरों में लगे हैं और लगातार नामांकन की भी प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में कौशाम्बी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू के लिए अपना नामांकन दाखिल कराया है। बता दें कि इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कौशाम्बी पहुंचे। अपना दल मुखिया अनुप्रिया पटेल की कौशाम्बी पटेल पहुंची हुई थी। वह नामांकन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिले की सभी 3 सीटों सहित चुनाव में जीत का दावा किया है। सांसद के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने 5 साल सेवा की है। आपकी थाथी, आपका कार्य समाज के हर वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने में आप हमेशा तत्पर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को संजो करके आपने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए आगे विकास के काम को आपने आगे बढ़ाया है। हमें विश्वास है कि आपकी सफलता के साथ साथ, इस क्षेत्र की सफलता के साथ साथ एक विकास की नया अध्याय आप यहां जोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में भी आपका पूरा योगदान रहने वाला है। बस्ती में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 310 सदर विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव और 308 कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से अंबिका सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वो पार्टी के नीति, कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की ताकत, मतदाताओं के सहयोग से जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कहा कि पार्टी ने निष्वासन कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है, इससे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और भाजपा से उबे मतदाता आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही चुनेंगे। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने मतदाताओं से वोट के लिए खास अपील की है। मालूम है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी लगातार पिछले 5 वर्षों से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद आप देखते हैं विधायक समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं विपक्ष में, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन पूरे 5 साल ना समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई ना ही बहुजन समाजवादी पार्टी ने भूमिका निभाई है। अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभाया तो वो कांग्रेस पार्टी निभाई है। हमारे पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व लगातार चाहे सदन में रहा हो, चाहे सड़कों पर रहा हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा रहा हो, चाहे शिक्षकों का मुद्दा रहा हो, चाहे NRC का मुद्दा रहा हो या कोई। जिले से कितनी सीटें आप दे रहे हैं? हम 5 सीट देंगे। 5 सीट में हमारे प्रत्याशी उतरे हैं और हमारे सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कहीं कोई बाहरी टिकट हम लोग नहीं लाए, हम लोग अपने ही जो कांग्रेस पार्टी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं कई वर्षों से, ऐसे लोगों को ही हम लोगों ने टिकट दिलाया है। हमारा पॉलिटिक्स पैसा नहीं, हम लोग पैसा है, दोनों फर्क है। कांग्रेस लोग हम पैसे और नहीं, हम पैसे और होते तो एक भी पत्र लिख पाए थे तो आज 42 साल से फिर कांग्रेस जनता भी सिरे फूल जाति धर्म बटी पागल की सीमा तक आप चले जाओ। आज कहीं कहीं इस बार तो टूट रहा जातिवाद कुछ, इस बार जातिवाद महंगाई ने इतना त्रस्त कर दिया टूट रहा, वरना जाति और धर्म पे अंधे हो गए लोग, सुनने को तैयार ही नहीं थे कि उसको चुन रहे हैं। वो रस्सी ही समझ के सांप पकड़ रहे थे बार बार, अब जाके जब महंगाई ने कमर तोड़ दिया उनकी तब त्राहिमाम हुआ, तब जातिवाद। किसानों ने 700 किसानों ने एक जगह दम तोड़ दिया और पूरे कार्यकाल के दौरान आंदोलनरत रहे, संघर्षरत रहे, न उनके जनप्रतिनिधि उनसे मिलने गए और न ही सरकार का कोई मुखिया उनसे मिलने गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक काम जो बहुत अच्छा हुआ है, हालांकि जितना सपोर्ट तमाम संचार मीडिया से मिलना चाहिए था, जो सरकारी संचार मीडिया है उनसे वो सपोर्ट नहीं मिला, इसके बावजूद भी आप जैसे तमाम मीडिया ने जनता को। खबर अयोध्या से है, जहां पर नामांकन के तीसरे दिन विधानसभा अयोध्या के लिए आज महत्वपूर्ण नामांकन किए गए हैं। गोसाईगंज विधानसभा से खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी ने भाजपा के टिकट पर नामांकन भरा। वहीं अयोध्या विधानसभा से पूर्व राज्य मंत्री सपा के प्रत्याशी पवन पांडे ने भी नामांकन किया है। नामांकन के बाद गोसाईगंज की भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी ने कहा है कि उनके पति जेल में है और विपक्ष उनके समर्थन पर हमला बोल रहा है, लेकिन जनता भाजपा के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। कहीं कुछ नहीं हारी है और हमारा चुनाव हमारी जनता हमारे गोसाईगंज की लापंग नहीं है, कायर पे होकर महिला पे हमला करने का प्रयास कर रहा है। आज नामांकन पत्र दाखिल किया है 3 से पिछले 5 वर्षों में 2017 से लेकर 22 तक
भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केवल अयोध्या को ठगा है, छला है, लूटा है। जमीन अधिग्रहण के नाम पर किसानों के परिवारों पर मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी गई, उनके परिवारों को डराया गया, नौकरी से बर्खास्त करने तक की धमकी दी गई, व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चला, कई पीढ़ियों से अयोध्या में रह रहे लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाओ गिराया गया। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल प्रभु श्री राम के नाम पर अयोध्या को ठगने, छलने और लूटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जिनके मकानों पर बाबा की सरकार ने बुलडोजर चलाया है, जिन व्यापारियों का उत्पीड़न किया है, अयोध्या विधानसभा की जो जनता छली और ठगी गई है उसको न्याय देने का काम, जिनका मकान गिराया गया उनका मकान बनवाने का काम, जिन व्यापारियों की दुकानें तोड़ने की योजना भाजपा की सरकार ने बनाई है उन व्यापारियों को स्थापित करने का काम, नगर निगम द्वारा ये जो भारी भरकम टैक्स पूरे अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में लगाया गया है इस पूरे टैक्स को समाप्त करने का काम, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम, सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री देने का काम, और किसानों के खेत को ये जो साड़ बैल चढ़ जा रहे हैं, किसान भुखमरी के कगार पर है, सरकार बनने पर साड़ बैल। संभल के असमोली विधानसभा 32 में लगातार सर्वे करते हुए नजर आ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम जगह जगह अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां जनता के बीच महंगाई और विकास के बड़े मुद्दे को बताया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी हाली मरगूब आलम ने कहा कि असमोली को तहसील बनाने का बड़ा मुद्दा है और शिक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। जनता बहुत भोली भाली थी, अब जनता जाग चुकी है, अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, इसलिए चुनाव में जीत के बाद हम इलाके में विकास करेंगे। अलीगढ़ क्षेत्र के 74 विधानसभा छर्रा क्षेत्र के गांव बिलौटी नगरा बंजारा में लोगों ने महिलाओं के साथ गांव में प्रदर्शन करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। वहीं नारेबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बंजारा समाज को किसी प्रकार का हक नहीं है, बंजारा समाज शासन में अपना हक मांग रहा है और गांव में रोड की अहम समस्या है, जिसके चलते ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी के साथ परेशान लोगों ने यह भी कहा कि ताओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाता, इसलिए हमारी मांग है कि समस्याओं को दूर किया जाए। ये हमारी बंजारे समाज को कुछ भी नहीं मिलता है, बच्चे चाहे कितने भी पढ़ जाएं, लिख जाएं, कुछ भी हो जाए, और सब बच्चे कुछ न कुछ तो हमारे बच्चों को भी तो सरकारी मजदूरी चाहिए, क्या या से मेहनत मजदूरी करते रहेंगे उससे क्या दे देंगे, क्या खा लेंगे, क्या किसी का कर्जा दे देंगे, कहाँ से ब्याह शादी कर लेंगे, क्या क्या कैसे बच्चों को पाल लेंगे। अच्छा, ये गांव में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए करा जा रहा है, एक तो रोड नहीं हमारे गांव के लिए, पहली समस्या तो ये है, और दूसरी समस्या ये है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे हमारा कर्नाटक आंध्रा बंजारा समाज है तो 50% आरक्षण है उनके लिए, हमें कौन ही है 50%, आंध्रा है, कर्नाटक में है बंजारा समाज। तो मेन समस्या जो गांव की जो है आपको आरक्षण की है या कोई और समस्या है? ये दोनों आरक्षण हमें मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए हमको जरूर, और ये रोड हमारे गांव के लिए रोड नहीं है। विकास है, आज 10 साल से विकास जटे हुए, विकास नहीं आया बंजारा समाज में, इसमें तो अब क्या करेंगे आप? हैं? क्या करेंगे हम? किसी को पार्टी को हम वोट देंगे ही नहीं, जब हम गिनती में नहीं है सरकार के, यहाँ कोई भी सरकार आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग, हम जिससे देना ही बेकार है वोट किसी पार्टी को। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अलीगढ़ प्रथम चरण के चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए टीम अलग अलग जगह पर है। इसी के मद्देनजर थाना विजयगढ़ और अकबराबाद में गांव में टीम पहुंची, टीम ने पोलिंग बूथों पर जायजा लिया। पोलिंग बूथों का जायजा लेते हुए शराब के ठेकों पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। बताया गया कि चुनाव के दौरान शराब पर प्रतिबंध रखा जाए, जिससे कि अवैध रूप से बिकने वाली शराब चुनाव का माहौल न बिगाड़ सकती। बांदा में भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। जीआईसी मैदान में हुए भाजपा की नामांकन जनसभा में सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी ने नामांकन किया और बाद में लोगों को संबोधित करते हुए प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य है बांदा में विकास करना। पत्रकार महोदय, हमने उसको भी पक्की रोड बनवाई। मैं पिछला नहीं, मैं आगे, मेरी बात सुनिए। तो वह काम
जो अभी अधूरे हैं, ठीक है ना, प्रस्तावित हैं प्राथमिकता के आधार पर संपूर्ण बांदा का। आप लोगों ने देखा होगा, पत्रकार महोदय हैं, गांव गांव जाते होंगे, गांव से गांव की कनेक्टिविटी हमने बनाई है। एक एक गांव को पांच पांच जगह से जोड़ा है। पहले हमको एक गांव जाने के लिए 20-20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, आज हम लोग 2-3 किलोमीटर में जा पहुँचते हैं। सिंचाई के संसाधनों को हमने मजबूत किया, इस बार हमारी प्राथमिकता है कि बांदा। उत्तर प्रदेश के सरकार व वन मंत्री और मऊ से घोसी विधानसभा समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद घोसी पहली बार आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, लेकिन इस दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और नियमों का उल्लंघन होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने दारा सिंह चौहान पर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रत्याशी पर केस दर्ज होने के बाद पार्टी से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। कभी खाता भारतीय जनता पार्टी का नहीं खुला था, हमारे जाने के बाद ही वह भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था। अब मऊ में खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये तो अफवाह उड़ाई जाती है। किनका टिकट कट रहा थे, अपने लिए टिकट नहीं, अपने बेटे के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है कि सरकार बनने के बाद अब सभी लोग जानते हैं कि सारे निर्णय एक दिन एक साथ नहीं होते हैं। सरकार अपने अंतिम दिन तक अपने कैबिनेट के माध्यम से सारे फैसले लिए जाते रहे हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज पूरी तरीके से पीड़ित और दुखित है, आप लोग भी जानते होंगे। जिस पिछड़े समाज के लोगों ने, बाकी लोग लेफ्ट राइट हुए होंगे, लेकिन पिछड़ा समाज पूरी शिद्दत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, आज पूरे प्रदेश में जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, जो पिछड़े समाज का, चाहे इंटर कॉलेज का हो, डिग्री कॉलेज। सुल्तानपुर में सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार उपयोगी नहीं अनुपयोगी है, जनता त्रस्त है और मतदाता 17 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अरुण वर्मा जयसिंह विधानसभा से सपा के उम्मीदवार के रूप कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां नामांकन करने के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आगे उन्होंने कहा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, आज हमने अपना नामांकन 2 सीटों में दाखिल किया समाजवादी पार्टी से, और मैं इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि आज लगातार तीसरी बार जो है मुझे मौका मिला नामांकन दाखिल करने का, और हम लोग को पूरा विश्वास है। क्षेत्र में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, निश्चित 10 तारीख को, मार्च को जब रिजल्ट आएगा, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वो अभी भी क्या कहते नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा की सरकार आ रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ और है। 10 मार्च रिजल्ट आएगा, फिर उत्तर प्रदेश। सोनभद्र में सीएचसी से रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी के बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंची। पूरे मामले में सीओ राम आशीष यादव ने बताया कि घटना की सूचना पीड़ित की पत्नी द्वारा एक डायल 112 पर सूचना दी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं सीओ समेत एडिशनल एसपी ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सुबह 4:02 पे एक इवेंट है हमारे 112 पे, उसमें ये जो मृतक है राजीव, उसकी पत्नी द्वारा सूचना दी गई है, और ये बताया गया है कि 3 लोग मुंह बांध करके आए थे और हमको और हमारे पति को मारे। ये सूचना के बाद हमारी पुलिस यहाँ पे पहुँची है, तो प्रारंभिक छानबीन हुई तो ये पता लगा कि घटना 10:30-11 के आसपास की है। सूचना देने में अत्यधिक विलंब है, वहाँ की स्थितियाँ जो है वो भी थोड़ी संदिग्ध है, और सारे पहलुओं को लेकर के घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है,
हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी किया है, टेक्निकल टीम हमारी है। और इसमें तेरे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।